अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं? आप लोगों ने मेरी वीडियो के टाइटल से अंदाजा लगा ही लिया होगा, आज है भाई वैक्सीन बूस्टर डोज, थर्ड वैक्सीन लगनी है मुझे। इस वक्त दोपहर के तकरीबन 3:30 हो रहे हैं और मुझे जाना है सबसे पहले एक बैंक का काम है, थोड़ा सा बैंक का काम करते हैं और उसके बाद फिर मुझे निकलना है एयरपोर्ट वाली साइड पे, वहां पे मेरा अपॉइंटमेंट है थर्ड वैक्सीन की, बूस्टर डोज की। आज वैक्सीन लगवा ही लेते हैं, तीसरे भी आप लोगों के साथ ले चलते हैं और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो थर्ड वैक्सीन का वो शेयर करते हैं। अभी आजकल में जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं मिल रही हैं, इवन के इकामे वालों को भी नहीं मिल रही, मेरे ख्याल में उनका जो कोटा है वो पूरा हो चुका हुआ है, तो मेरे ख्याल में कुछ दिनों तक दोबारा से ओपन करेंगे और उसके बाद फिर लगाने शुरू करेंगे दोबारा से। तो मैंने तो खैर 10 दिन पहले ले लिया था, अपना भी ले लिया था और अपनी वाइफ का भी अपॉइंटमेंट ले ली थी, आज मेरी है और कल मेरी वाइफ की अपॉइंटमेंट है वैक्सीन की। तो खैर चलते हैं, पहले बैंक का काम निपटाते हैं और फिर चलते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए और आपको भी साथ ले चलते हैं। जी जनाब, हम लोग पहुंच गए हैं बैंक और यहां से अब ढूंढते हैं पार्किंग। ये है सारी पेड पार्किंग जो कि हमने यहां पे नहीं लगानी, हम लोग ढूंढते हैं आगे जाके पार्किंग क्योंकि थोड़ा सा काम ही है। तो ये मेरे लेफ्ट साइड पार्किंग है, यहां पे जाते हैं और इंशाल्लाह कोई ना कोई पार्किंग मिल ही जाएगी। ये शापा ही बंदा निकल रहा है, निकल 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 निकल। यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी इंशाअल्लाह और ये मिल गई हमें पार्किंग। पहले अच्छा वाला हमारे पास सांबा बैंक हुआ करता था इसके उस तरफ, अब सांबा बैंक जो है वो परचेज कर लिया है एनसीबी ने परचेज करने के बाद उसका नाम रख दिया है एसएनबी। अब वो हमें यहाँ पे आना पड़ता है, ये सामने है फारसी बिल्डिंग जहाँ पे आईएलटीएस के एग्ज़ाम होते हैं या प्रिपरेशन होती है, मुझे आइडिया नहीं है। खैर बैंक चलते हैं, काम ख़त्म करें अपना। ऊपर ले जी, आधा घंटा बैठ बैठ के कोई काम नहीं बना, अभी मुझे जाना पड़ रहा है मेरे स्पॉन्सर की तरफ, वो कह रहे मेरी तरफ आओ फिर देखें क्या होता है, चलते हैं देखते हैं, अल्लाह खैर करे। आप सामने निसान सनी देख रहे हैं, इसका व्लॉग भी मैंने बनाया था याद है, इसको तो आप जानते होंगे, ये हमारा सलाहुद्दीन भाई है फ्रॉम बांग्लादेश। ये शेख साहब की गाड़ी है लेक्सस। सुनिए जी, ये काम तो खत्म हो गया, चलते हैं घर और घर जाकर खाना खा के ना फिर चलते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए क्योंकि 8:30 बजे का टाइम है वैक्सीन का। प्रोग्राम में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, वो ये कि अभी 5 बज रहे हैं तो बजाय घर जाने के बट्टी साहब हो गए फारिग, तो बट्टी साहब को पहले दफ्तर से उठाते हैं फिर चलते हैं खाना खाने घर, उसके बाद भी निकलेंगे इंशाल्लाह।
वैक्सीन लगवाने के लिए। तो पहले चलते हैं, पट्टी साहब को पिक करने आ जाए। ले भाई, पट्टी साहब का ऑफिस आ गया और पट्टी साहब आ रहे नीचे। बट्टी साहब के लिए एक रूम देख रहे हैं। ये है प्रिंस साउथ अल फैसल रोड, मेरी बैक साइड पे कुबरी मुरब्बा है और सामने इस वक्त हैया रौदा आ रहा है। ठीक है, तो इस रोड पे हम लोग एक शेयरिंग रूम ढूंढ रहे हैं बट्टी साहब के लिए, क्योंकि बट्टी साहब वॉकिंग डिस्टेंस पे रूम चाह रहे हैं ताकि ऑफिस के करीब हो। ठीक है, तो अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर, कोई छड़ा छाट, कोई इस एरिया के इर्द गिर्द रहता है ना, तो काइंडली ज़रूर बताइएगा, मैसेज कर दें कमेंट सेक्शन में कि अगर आप लोगों के पास स्पेस है रखने की, बंदे को जगह रखने की जगह है, तो ज़रूर बताइएगा ताकि हम बट्टी साहब को भी कहीं एडजस्ट करें। क्या ख्याल है बट्टी साहब? हाँ ज़रूर भाई, तो ज़रूर बताइएगा यार, मेरे सब्सक्राइबर कुछ यहाँ पर रहते हैं, जरूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बट्टी साहब बहुत अच्छे बंदे हैं यार, टेंशन ना लेना बट्टी साहब की। ले भाई, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म और घड़ी पर टाइम बज रहे हैं तकरीबन 7:15, 8:30 की अपॉइंटमेंट है, लेकिन मैं पहले जा रहा हूँ, जल्दी फारिग हो जाएंगे लगवा के, और बट्टी साहब भी साथ जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या सीन चल रहे हैं, आ जाएँ। ले भाई, एयरपोर्ट तो पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे कैंप कहाँ पे लगा है आगे जाके देखते हैं। काफ़ी आवाम आई हुई है और फुल टाइम रश है। वो लगा हुआ वैक्सीन सेंटर, आई वाह। अच्छा भाई, अगर आपको जगह मिले ना तो आप वहाँ से होके आगे भी पार्किंग खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आगे मैंने पार्किंग थी नहीं, इसलिए पीछे लगवा दिए। ये सारी दुनिया आई हुई है वैक्सीन लगवाने के लिए। अच्छी खासी है, पूरी पार्किंग खाली है और हम लोगों ने उसकी पिछली तरफ खड़ी कर दी गाड़ी। चल कोई बात नहीं, जब आप लोग आए ना फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना। अच्छा ये लाइन लगी हुई है भाई। अच्छा ये देखो जी, ये एंट्रेंस है, यहाँ से वो चेक करेंगे मेरे ख्याल में अपॉइंटमेंट आपकी, और फिर अंदर जाने देंगे वन बाय वन सारों का। अच्छा भैया, अपॉइंटमेंट चेक हो गई हमारी, अभी उन्होंने अंदर जाने के लिए बोल दिया, सीधा जाएं आप। अच्छा भैया, इधर नंबर लग रहे हैं जी, ये डी बोला, डी वाली साइड पे चलते जाओ, इधर मेरी बारी आ जाएगी। लो जी, मेरी बारी आ गई। ले भाई, वैक्सीन लग गई है और ये है एग्जिट, और यहाँ से चले जाओ एग्जिट पे। ये खड़े हैं जी भट्टी साहब, भट्टी साहब हो गया लगा गया। हाँ जी जनाब, ये जी हमारी वैक्सीन लग गई है और अपॉइंटमेंट के बगैर भाई कोई भी अलाउड नहीं जा अंदर कर रहे। ठीक है, जब तक आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं होगी आप अंदर नहीं जा सकते। तो खैर, आसान था तरीका था, सीधा सीधा जाओ लगवा के वापस आ जाओ। जल्दी वापस आ गया, मुझे 10 मिनट नहीं लगे, 5 मिनट भी नहीं लगे मेरे हमें, अंदर गया हूँ वापस आ गया। तो खैर चलते हैं वापस घर, और एक काम करना है, बट्टी साहब का एक कमरा देखना है, एक जगह पे नज़र आया वो देखते हैं, और फिर आपको बाय बाय करते हैं जाके। ठीक है, आ जाए। ये एंट्रेंस है और ये छत है, और यहाँ पे ये एक छोटा सा सला समझ लो, और ये एक रूम है। ठीक है, रूम भी ठीक है, अच्छा खासा है, और ये वॉशरूम है, साथ ही अटैच वॉशरूम, और वॉशरूम भी अच्छा खासा है। ठीक हो गया, उसके बाद दिस इज किचन कैबिनेट्स, और ये साथ थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए किचन का, बेहतरीन है यार। हाँ सही है, है ना। हाँ जी भाई लोग, हमारे आज के काम सारे अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो गए हैं, और वैक्सीन भी लग गई है, और पट्टी साहब का रूम भी देख लिया है, रूम पसंद आया है,
बेहतरीन रूम मिल गया और किराया भी मुनासिब है। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स में से अगर कोई देख रहा है जिसको रूम चाहिए भाईजान के साथ रहने के लिए तो मोस्ट वेलकम, लेकिन बंदा चाहिए डिसेंट किस्म का, ठीक है। कोई रहना चाह रहा है तो मुझे बता दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे आके कमेंट कर सकते हैं। तो जिसने रहना है भट्टी साहब के साथ मोस्ट वेलकम। फैमिली एरिया है, फैमिली बिल्डिंग है, लेकिन उसमें हमें एक ये अपार्टमेंट मिल गया है एक रूम का। स्टूडियो रूम समझ लो आप, स्टूडियो अपार्टमेंट समझ लो, रूम है, किचन है, जिस तरह आपने वीडियो में दिखाया है। तो खैर वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं दोबारा नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वीडियोस अगर देखनी हो तो सब्सक्राइब क्लिक करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत हुकूमत अली उस्मान गनी।